नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कल के दिन हमने वीडियो बनाया था, स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे है, 5% की कल के दिन तेजी दिखाया था। हालांकि दोस्तों ऐसे में ही एक गुड न्यूज और आ गई। गुड न्यूज क्या है दोस्तों, तो सबसे बड़ी गुड न्यूज को आप मान सकते हैं कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे, वहीं पे पॉजिटिव न्यूज़ इस कंपनी से रिलेटेड आते रहते हैं। 10,000 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला, इसके पहले बहुत सारे ऑर्डर्स मिले। और अभी की बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, जो पीएम है दोस्तों, वो जो कि बेंगलुरु में गए हैं तेजस की बात करें तो उसमें जो कि उड़ान भर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उन्होंने बधाई दी है, सरप्राइज मतलब हुए हैं। तो ऐसे में देखा जाए दोस्तों तो एक प्रकार से ये सबसे बड़ा इसको आप पॉजिटिव न्यूज मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों पॉजिटिव न्यूज मानने में जितना मतलब कि आपको अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि मंडे के दिन स्टॉक एक और भी मतलब तेजी दिखा सकता है। वहीं पे हो सकता है दोस्तों कि स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट भी हो सकती है। ऐसा क्यों, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि दोस्तों जो मेरा मानना है कि कंपनी जल्द से जल्द 2,500 के लेवल को टच कर सकती है, तो ऐसे में ये न्यूज़ देखा जाए तो अहम मतलब रोल प्ले कर सकता है। पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देख लेते हैं दोस्तों, जो कि हमने कल के दिन वीडियो बनाया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन स्टॉक 24 नवंबर को जो कि 5% की तेज़ी दिखाया है। और इसमें जो सबसे बड़ा मतलब कि आप अगर मतलब देखा जाए तो एक पॉजिटिव सीन कि स्टॉक कंसोलिडेशन करने के बाद स्टॉक में तेजी वापस, मतलब आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड में ही रहता है स्टॉक, वापस एक बड़ी रैली दिखाने के बाद एक कंसोलिडेशन करता है, ना गिरावट ना मतलब बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल अपने को देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में इस स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज आती है, क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है दोस्तों उसको अभी हम कवर कर लेते हैं। पहले हम उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैटरडे के दिन जो कि आज शनिवार है, शनिवार के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि विजिट करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑफिस में। हालांकि दोस्तों अभी गए हैं, क्या हुआ है उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने मतलब कि एक नोटिस कराया है, जैसा कि 15,900 का जो कि ऑल टाइम हाई पे एक डिफेंस का, डिफेंस की अगर मैं बात करूं जो कि अप्रैल इसी साल में जो कि अप्रैल में देखा गया, जो कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनकी जो डिफेंस का मतलब कि देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस सेक्टर को अगर आगे आना है तो सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को आगे आना पड़ेगा। वहीं पर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो नरेंद्र मोदी अभी जो कि बेंगलुरु के ऑफिस में गए हैं, ऑन गोइंग जो कि वर्क इट्स मतलब पूरा देखेंगे। वो अगर बात करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर देखेंगे किससे रिलेटेड बात हो रही है, तेजस जेट से रिलेटेड। जो कि अगर मैं तेजस की बात करूं दोस्तों तो वो तेजस में इस समय जो कि मतलब कि बैठ के उन्होंने आनंद भी लिया। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन पुश, जो कि देखा है तो मतलब जो लोकली अगर मैं स्वदेशी बात करूं दोस्तों, जो स्वदेशी प्रोडक्शंस है उसको हो सकता है कुछ मतलब पुश कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कि फोकस भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, बाइंग तेजस ए लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट यूएस डिफेंस, जो कि जनरल इंजन की बात करें, मतलब जो जनरल इंजन की बात हुई थी दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर बीच में गए भी थे। यहाँ पे देखेंगे तो एमके सेकेंड जो कि तेजस की बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर, जो कि मतलब देखिए जाके वहाँ पे बहुत सारी बातें होगी। वहीं पे आप यहाँ पे देखेंगे जो राजनाथ सिंह है दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 से 2023 के बीच में जो बढ़ते हुए मतलब ऑल टाइम हाई पे जो एक्सपोर्ट हुआ है दोस्तों, मतलब डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो 15,920 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मतलब कि एक नया मार्क। वहीं पे जो सेकेंड न्यूज़ है दोस्तों, अभी तो आपने देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर जो कि सैटरडे के दिन गए थे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो प्राइम मिनिस्टर जो कि वहाँ पे जा करके शॉर्टेज इन तेजस फाइटर जेट सेज रिन्यूड सेंस ऑफ प्राइड, मतलब जो कि गर्व उन्होंने महसूस किया, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सारा आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जो कि मतलब कि फ्लाइट में बैठ करके, मतलब तेजस की बात करें तो उसमें बैठ करके उन्होंने मतलब कि आनंद भी लिया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो कि अगर मैं ट्विटर की बात करूँ तो उन्होंने बताया है दोस्तों कि मतलब आज मैं तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भर ता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना DRDO हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ समस्त भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमने आपसे बताया दोस्तों कि उन्होंने कांग्रेचुलेशन मतलब कि बधाई दी है। वहीं पे देखा जाए तो मतलब जैसा कि वहां पे आपने देखा दोस्तों किन सभी चीज़ों से रिलेटेड, जो कि मतलब कि यहां पे आप देख सकते हैं जो कि इंटरेस्टेड भी होते हुए दिख रहे हैं सेवरल कंट्रीज, मतलब कुछ कंट्रीज जो कि सुनो आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड भी देखने को मिल रहे हैं। तो हालांकि दोस्तों इन सभी से रिलेटेड अभी मतलब बहुत सारी बातें हो सकती है कि आए, लेकिन अभी देखा जाए तो फिलहाल यही सब आपको सारा न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए ये मार्केट है, मार्केट की अगर मैं बात करूं तो अभी यहाँ पे जो मतलब देखिए प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो कुछ मतलब देखा जाए तो कुछ पुश करने गए, तो हो सकता है कि स्टॉक में
एक तेजी देखने को मिले। तेजी की भी अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए यहाँ पे इस स्टॉक में 4-5% की भी अगर तेजी आ गई तो बहुत बड़ी आप तेजी इसको कर सकते, क्योंकि अगर इस सेक्टर की मैं बात करूँ ना तो बहुत ही स्लो डाउन सेक्टर रहेगा ये। मतलब फ्यूचर की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही फास्ट तेजी से ये ग्रो होने वाला नहीं है। ये जो है कि मतलब आप इसके अगर ग्रोथ की बात करें तो सिंगल डिजिट में आप इसके ग्रोथ के चांस करके एक्सपेक्ट करके फिर चाहे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। वही भी दोस्तों, अगर मंडे के दिन कुछ ऐसे अनाउंसमेंट नहीं होते, आज जो है कि प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो गर्व महसूस कर रहे हैं, मतलब लोकल आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हो रहे हैं। हालांकि दोस्तों उसमें अभी जो ऑर्डर्स की बात करें तो सारा ऑर्डर्स जो है कि गवर्नमेंट्स की तरफ से मिल रहा है। एक्सपोर्ट की बात करें तो 15,000-16,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कुछ जब तक नए ऑर्डर्स नहीं मिल रहे दोस्तों, तब तक देखा जाए तो इस कंपनी मतलब कि आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि मतलब मेरे पॉइंट से देखिए हो सकता है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, तो थोड़ा सा मेरे पॉइंट से देखिए गिरावट देखने के मतलब देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ भी फिक्स रूल्स नहीं है, हो सकता है कि स्टॉक एक रैली भी दिखाए मंडे के दिन, फिर उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। हालांकि दोस्तों स्टॉक में गिरावट होगी या तेजी आएगी तो मंडे के दिन ही पता चलेगा, लेकिन हाँ अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, देखिए आप इस स्टॉक को भी किसी भी प्राइस से बाइंग कर लीजिए, आपका प्राइस तो रिकवर होगा ऑलरेडी देखा है, तो स्टॉक आपको प्रॉफिट भी बना के देगा आने वाले समय में। जैसा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, किसी समय में ये भी स्टॉक नहीं चल रहा था, उसके बाद जब चलना स्टार्ट किया तो फिर गिरावट भी दर्ज नहीं किया, स्टॉक अप ट्रेंड में ही देखने को मिला है। तो ऐसे में आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से अभी 2000 से 2100 के लेवल तक आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूं तो जल्द से जल्द ये कंपनी 2500 के लेवल को टच कर सकती है दोस्तों, कि अभी देखा है तो इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।